आज के वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे डिजाइन्स को शेयर करने वाले हैं जिनको यूज करके आप अपनी टाइट स्लीव्स को लूज कर सकते हो। ना सिर्फ स्लीव्स का फिट आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा इससे, बट ऑल्सो आपकी जो स्लीव्स हैं वो रीस्टाइल हो जाएंगी। एंड यू ऑल नो, हमने अपनी बहुत सी प्रीवियस वीडियोज में जिनमें हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, हमने आपको बताया है कि स्टाइलाइज्ड स्लीव्स इन ट्रेंड है राइट नाउ। आपका पूरा आउटफिट प्लेन हो सकता है, बेसिक हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन जो हो रही है स्टाइल्स के साथ, शेप्स के साथ, वो स्लीव्स के साथ हो रही है। सो ट्रेंड वाइज भी आप अपग्रेड ही करेंगे अपने आउटफिट को। ऑल्सो आप अपना पुराना आउटफिट जिसकी स्लीव्स टाइट हो गई है उसे दोबारा पहन पाएंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये पसंद आए तो याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु वांट दिस कंटेंट इन इंग्लिश, यू कैन चेक आउट आवर ब्लॉग। द लिंक टू दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह इंप्रेशन इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहला जो डिजाइन है इसमें आप एक कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। फैब्रिक का प्रिंट टोटली डिफरेंट हो सकता है आपके बेसिक कुर्ता से, उसका कलर भी अलग हो सकता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको अपनी स्लीव को सेंटर से स्लैश करना है और ट्रायंगल की शेप में उसमें उस फैब्रिक को इंसर्ट करना है। कुछ बटन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें डालने के लिए, बट जरूरी नहीं है कि आप स्लीव टॉप पे बटन इस तरीके से ऐड करें। लेकिन ये जो फैब्रिक आप ऐड करेंगे इस शेप में आपकी स्लीव को ना सिर्फ लूज कर देगा बट ऑल्सो एक डिजाइन एलिमेंट भी ऐड करेगा। नेक्स्ट तरीका ये है कि आपकी जो स्लीव है उसमें आप इस तरीके का स्कैलप्ड डिजाइन बना सकते हैं। क्योंकि आप इसे कट कर देंगे तो स्लीव स्प्रेड हो जाएगी और वो उस हिसाब से आपकी जो न्यू साइज है आपकी स्लीव का, आर्म का जो नया साइज है उस हिसाब से वो स्प्रेड हो जाएगा। एंड सो दैट वो कट जो है वो ज्यादा अटपटा ना लगे, आप उस पर स्कैलप्ड डिटेल करवा सकते हैं। ये दोनों कर सकते हैं, आपके टेलर्स भी इस तरीके की डिटेल क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो एम्ब्रॉयडर हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। सो दैट आपने ये जो स्लैशिंग इसमें की है इससे जो स्लीव है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए, आप उसे एक प्लेस पे होल्ड करके रख सकें, आप इस पे इस तरीके का टाइप भी ऐड करवा सकते हैं। एंड मे बी अगर आपको पसंद है तो इस टाइप पे आप छोटे छोटे टैसल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये जो डिजाइन है सिमिलर है हमारे फर्स्ट डिजाइन के जैसा ही, लेकिन यहाँ पे हम स्लीव को एक्स्ट्रा लूज नहीं करेंगे। ब्लाउज के स्लीव्स जिस तरीके के होते हैं वो ज्यादातर लूज फिट नहीं पहनते लोग, कुर्ताज के लूज फिट स्लीव्स अच्छे भी लगते हैं। तो अगर आपको फिटेड ही रखना है बट स्टिल आपकी जो स्लीव है वो टाइट है, तो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो आपका एक प्लेन सिल्क का कुर्ता है, उसके साथ आप इस तरीके का ब्रोकेड का जो फैब्रिक है उसे मैच करके, डिफरेंट कलर में डिफरेंट टाइप का फैब्रिक है उसे आप इस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। ऑल्सो सो दैट जहां पे आपने सीम लगाई है दोनों फैब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए वो ज्यादा बाहर ना दिखे, ऐसा ना लगे कि आपने एक एक्स्ट्रा पैच लगाया है या एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है यहाँ पे, सो दैट वो पार्ट ऑफ द डिजाइन लगे। आप उस सीम के ऊपर कुछ भी पतली किनारी लेस लगवा सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा खर्चा करना चाहते हैं तो आप उस पर एम्ब्रॉयडर डिटेल करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्शन लेसेस। इंसर्शन लेसेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी गार्मेंट की लेंथ को इंक्रीज करने का या साइज को इंक्रीज करने का। सो यहाँ पे आप इंसर्शन लेस ऐड करवा सकते हैं आपके स्लीव के सेंटर में, लेकिन आपको सिर्फ आर्म होल तक ऐड नहीं करवाना है, आप ऑल द वे टू द नेकलाइन लेके जा सकते हो। तो आपके नेकलाइन से स्टार्ट होगा शोल्डर को कवर करते हुए आपके स्लीव के सेंटर तक, आप इंटायर जगह पे एक इंसर्शन लेस इंसर्ट करवा सकते हैं। अब ये लेस कितनी ब्रॉड होनी चाहिए, जितनी लूज आपको स्लीव चाहिए, बहुत सारी विड्थ्स में इंसर्शन लेसेस आपको मार्केट में मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो द बेस्ट थिंग इज कि ये डायबल होती हैं, तो अगर कोई कलर्ड आउटफिट है आपका तो आप इन लेसेस को डाई करवाने के बाद इस तरीके का डिजाइन क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आपको इंसर्शन लेस नहीं मिल रही तो आपका सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप सेम कलर्ड फैब्रिक को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सेम कपड़ा आपको मिले, सेम कलर का फैब्रिक हमें मिल जाए, उस फैब्रिक से आप इस तरीके के स्ट्रिप्स क्रिएट करने के बाद ऐसा पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं। अब ये पैटर्न क्रिस क्रॉस में हो सकता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, या सिंपली आप हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करवा लीजिए। पैटर्न की जो सुइंग है उसी के चार्जेस होंगे यहाँ पे, अदरवाइज बाकी सब जो चीजें हैं वो ज्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी। ऑल्सो एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपको सिमिलर फैब्रिक नहीं मिल पा रहा तो आपका जो भी गार्मेंट है उसकी जो लेंथ है उसे आप सिर्फ अगर एक इंच भी ट्रिम करवा लेंगे तो आपको सेम फैब्रिक की एक लंबी रेगुलर पट्टी मिल जाएगी जिससे आप ये चीज क्रिएट कर पाएंगे। सो यू कैन सी अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो आप सेम गार्मेंट में से फैब्रिक निकलवा सकते हैं। अगर आपको लेसेस नहीं मिल रही और सेम फैब्रिक भी नहीं मिल रहा, देन आप एक ऑपोजिट कलर का प्लेन बेसिक फैब्रिक ले सकते हो। मे बी प्लेन कॉटन अगर आपके पास पड़ी है, प्लेन सिल्क, डिपेंडिंग कि आपका मेन जो गार्मेंट है किस फैब्रिक में है, तो आप सिंपल एक डिफरेंट कलर की स्ट्रिप उसमें ऐड करवा सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा कि आप शोल्डर से, आप नेकलाइन से लेके इंटायर स्लीव में ऐड करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो एक डिफरेंट कलर का कपड़ा ले लीजिए जो आपके आउटफिट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और इस तरीके का स्लीव का पैटर्न आप क्रिएट करवा सकते हैं।
सो दैट अगर प्लेन आउटफिट और आपको लग रहा है कि स्लीव जो है ये इंटायरली अलग हो रही है, तो आप उस फैब्रिक की जो पट्टी है उसे नेक लाइन पे भी एज अ प्लैकेट आप ऐड करवा सकते हैं, सो दैट वो पूरा डिजाइन जो है वो बैलेंस्ड लगे। लॉट ऑफ अस हम लोग साड़ीज जैसे गार्मेंट के लिए अपने मॉम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो उनकी साड़ी है उसी को पहन लेते हैं। समटाइम्स जो सेम ब्लाउज है वो आपको फिट हो जाता है, कई बार नहीं होता। यूजुअली हमारे मदर के वार्डरोब्स में जो भी ब्लाउजेस होते हैं दे आर वेरी बेसिक एंड क्लासिक डिजाइन, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको उसे स्टाइलाइज करना है थोड़ा सा, ऑल्सो स्लीव एरिया जो है वो आपका प्रॉब्लम एरिया कि आपको टाइट आ रही है, द बेस्ट ऑप्शन है, सो दैट ज्यादा खर्चा भी ना हो, आपको एक्सपेंसिव फैब्रिक्स ना बाय करने पड़े फॉर द स्लीव, आप लोग शिफॉन जैसे फैब्रिक्स को परचेज कर सकते हो। शिफॉन और ऑर्गेन्जा ऐसे लाइट वेट फैब्रिक्स जिनके साथ आप रफल्ड स्लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ कम कॉस्ट में आपको ये फैब्रिक पड़ेगा, बट ऑल्सो जो पुराना बेसिक ब्लाउज है उसे आप रीडिजाइन कर सकते हो सिर्फ उसकी स्लीव्स चेंज करने के बाद। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है इनको क्रिएट करना और बहुत अटपटे डिजाइन नहीं है, दे आर वेरी बेसिक। आप अपने टॉप्स में नहीं क्रिएट करवा सकते हो, कुर्ताज में, ब्लाउजेज में, किसी भी गार्मेंट में बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप ट्यूनिक्स पहनते हो, शॉर्ट कुर्तीज पहनते हो, उनमें भी ये ऐड किया जा सकता है। सो एनी गार्मेंट, आपका कोई भी गार्मेंट जिसकी स्लीव्स आपको नहीं आ रही, उनमें इन डिजाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो डेफिनेटली प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।